आइए वानराज, आपका स्वागत है। बेटी अंजना, यही हैं वे वानर राज केसरी जिनकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। वीरवर, ये वानर राज कुंजर की पुत्री देवी अंजना हैं। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। पुंजिक स्थला ने जो माला देवगुरु बृहस्पति को अर्पित की थी, वो केसरी के पास कैसे पहुंच गई? वानर राज केसरी की माता थी वानर सुंदरी रिक्ष, बृहस्पति के पुत्र गदगद और गदगद के पुत्र केसरी। सर्वज्ञानी बृहस्पति ये जानते थे कि अंजना और केसरी की भेंट अवश्य होगी। केसरी के गले में पड़ी वो रुद्राक्ष की माला अंजना के लिए एक संकेत थी और उसे देखते ही वो समझ गई कि केसरी के प्रति जो आकर्षण उसके मन में जागा है उसे स्वयं गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है। वीर केसरी, हमारे इस यज्ञ में निरंतर कुछ न कुछ विघ्न आता रहा है। आज आपने यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने का प्रण लिया है, हम आभारी हैं। आप निश्चिंत होकर यज्ञ आरंभ कीजिए ऋषिवर, आज किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। केसरी ने प्रण तो ले लिया था पर कार्य बड़ा दुष्कर था। रावण के बढ़ते प्रभाव से अनेक प्रकार के पापी और असुरी शक्तियां बलशाली हो गई थी। यज्ञ जब तप आदि करने वालों के ये दुराचारी विशेष शत्रु थे। शंब साधन भी ऐसा ही एक मायावी राक्षस था जो सदैव ही मतवाला होकर सबको सताता रहता था, क्योंकि उसे किसी भी शस्त्र से ना मारे जाने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण से उसे मारना बहुत कठिन हो गया था। ओम
केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे गौरी शंकर, केसरी के जीवन की रक्षा करना। हे देनाना, वह राक्षस बड़ा ही दुष्ट है, कुछ ऐसा करे कि वो यहां कभी ना आ सके। मुझे वो शक्ति देना कि मैं रण में सम्भ सदन से जीत सकूं और सुंदरी अंजना का हृदय भी जीत सकूं। धन्यवाद देवी अंजना, बड़ी सहजता से आपने मेरे संध्या वंदन के समय यज्ञ की रक्षा का दायित्व ले लिया। आपकी सुंदरता के समान आपका साहस भी अतुलनीय है। नहीं देवी अंजना, आप मेरी रक्षा में हैं। मेरी पत्नी बनोगी?
सांभ सदान। माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे महादेव, हे उमाकांत, हे आशुतोष, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। ध्यान से सुनो अंजना, ये राक्षस केवल अपने रक्त से ही मारा जा सकता है। विचार में समय नष्ट ना करो, आस्था रखो और शीघ्र ही प्रहार करो। राक्षस केवल अपने ही रक्त से मर सकता है। ये गदा लीजिए, इसमें जो रक्त है ये इसी का है। मारिए, वर भर दीजिए इसका। हे त्रिशूल पाणी, शिव शंकर गंगाधर, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। प्रेम से अपने इष्ट देव को पुकारता है तो उनको सुनना ही पड़ता है, और यदि इष्ट देव स्वयं भगवान भोलेनाथ हो तो कहना ही क्या। शीघ्र प्रसन्न होने वाले
इसी स्वभाव के कारण उनका एक नाम आशुतोष भी है। केसरी के प्रति अंजना के इस प्रेम के सूत्रधार भी तो भगवान भोलेनाथ ही थे। केसरी की रक्षा के लिए अंजना को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देख तुरंत भोलेनाथ ने शंभ साधन के मृत्यु का रहस्य खोल दिया। तो फिर इस घटना के बाद से तो केसरी अंजना से और अधिक प्रेम करने लगे होंगे। निस्संदेह आप ही की तरह वो भी अपने प्रेम को पाने के लिए अधीर होने लगे प्रिय। ऋषि पनग अंजना और केसरी के प्रेम के साक्षी थे। उन्होंने अंजना के पिता वानर राज कुंजर के आगे उनके विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर शुभ मुहूर्त में वैदिक रीति से केसरी ने अंजना का पाणि ग्रहण किया और मंगल ध्वनियों के बीच सारे लोग आनंद उत्सव और उल्लास में डूब गए। सुंदरता अपने स्थान पर, किंतु उसका वास्तविक महत्व तो नारी ही जानती है। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है प्रिय। क्यों? जिसने कभी सिंदूर लगाया ही ना हो वो भला प्रेम की उस गहरी भावना को कैसे समझेगा जो सिंदूर के साथ जुड़ी है। उचित है, पर जिसने लगाया हो वो पुरुष तो समझ ही सकता है। हे अव्यक्त, ऐसा कौन सा पुरुष है जो सिंदूर लगाता हो? राम भक्त हनुमान। हनुमान जी और सिंदूर, ये कैसी पहेली है नाथ? ये पहेली तो वो ही बूझे जो सिंदूर लगाती। ठीक है, हे अंतर्यामी, मैं ही बताती हूँ। ये घटना तब की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में लौट आए।
सारे वानर तो किष्किंधा लौट गए, परंतु राम भक्त हनुमान अपने आराध्य के चरणों को छोड़कर कैसे जाते। अंजना नंदन, प्रभु श्री राम की सेवा में अयोध्या में ही बने रहे। एक बार मंगलवार के दिन जब हनुमान जी राजसभा में पहुंचे तो सभी लोग उनको देखकर चौंक पड़े। क्यों? हनुमान ने अपनी पूरी देह पर मुख से लेकर पैरों तक सिंदूर का लेप लगा रखा था। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। सभी सभासद तो उपस्थित हैं, किंतु पवन पुत्र हनुमान कहीं दिख नहीं रहे। जय श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। हनुमान की भक्ति निराली, सिंदूर से सब देह रंग डाली। दिया प्रीत का प्रगट प्रमाण, सजल नयन हो गए श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ये क्या महाबली, आज ये कैसा स्वरूप धारण किया है आपने? आपकी प्रसन्नता के लिए प्रभु। मेरी प्रसन्नता के लिए? आपसे ये किसने कहा कि मैं किसी विशेष रूप से प्रसन्न होता हूं, और वो भी इस रूप से? ये ज्ञान तो मुझे स्वयं माता सीता से मिला है प्रभु। जानकी से? जानकी ने आपसे ऐसा क्यों कहा और कब कहा? आज प्रातः काल संध्या वंदन के पश्चात जब मैं माता सीता से प्रसाद पाने गया। प्रणाम माते, भूख लगी है, प्रसाद दे माते। हाँ पुत्र, तनिक ठहरो। माते, एक प्रश्न पूछूं? महाज्ञानी हनुमान हमसे कुछ जानना चाहते हैं, अवश्य पूछिए अंजना नंदन। माते, इस दिव्या के ना खुलने से आप इतनी व्याकुल हो गई और मिलते ही सदा की भांति प्रसन्न हो गई। माते, ये तो स्त्रियों का रहस्य है पुत्र, तुम्हें कैसे बता दूं? अच्छा अच्छा, उदास मत हो। देखो, इसे सिंदूर कहते हैं आंजने। इससे क्या होता है माते? क्या होता है? आप भी भोलेनाथ की तरह भोले हैं हनुमान। अच्छा सुनो, संसार की हर स्त्री अपने स्वामी के लंबी जीवन के मंगल कामना के लिए अपने मांग में सिंदूर धारण करती है,
और मैं भी इसीलिए सिंदूर लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके स्वामी दीर्घायु होते हैं और वे सदैव मुझसे प्रसन्न रहते हैं। इसे लगाने से प्रभु दीर्घायु होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं माते? हाँ पुत्र, वे प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद माते, आज्ञा दीजिए। अरे हनुमान, तनिक सुनो तो पुत्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए मैंने भी सिंदूर लगा लिया प्रभु। किंतु हनुमान, जानकी तो चुटकी पर सिंदूर लगाती है, परंतु आपने तो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा रिक्त नहीं छोड़ा। मैंने सोचा प्रभु, केवल चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप दीर्घायु हो जाते हैं, तो यदि मैं संपूर्ण देह पे सिंदूर लगा लूं, तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे और पृथ्वी छोड़ के कभी भी अपने धाम नहीं जाएंगे। प्रभु सदैव हम भक्तों के पास ही रहेंगे। प्रभु की सरलता और भक्ति निराली है हनुमान। ऐसी ही भक्ति मुझे तुम जैसे भक्तों के अधीन बनाती है। आज मंगल के दिन तुमने मेरे लिए जो ये मंगल कामना की है, तो मैं वचन देता हूं महावीर कि मंगलवार को जो कोई भी तुम्हारे इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा और श्रद्धा से तैल और सिंदूर अर्पित करेगा, उसके प्रति भी मैं वैसे ही कृपालु हो जाऊंगा जैसे जैसे कि तुम्हारे प्रति। जय राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र का किया सम्मान, भक्तों के हनुमत को रंगे सिंदूरी, राम करे सब इच्छा पूरी। जो हनुमत को रंगे सिंदूरी, राम करे सब इच्छा पूरी, राम करे सब इच्छा पूरी। तो ये है सिंदूर का महत्व, जिसे स्त्रियां ही नहीं हनुमान भी जानते हैं।
एक और महत्व की बात थी जो मैंने हनुमान से कही थी, अर्थात जानकी ने कही थी। वो क्या? यही कि विवाहित स्त्री के मांग का सिंदूर प्रतीक है कि वो अपने स्वामी के प्रति अनन्य भाव से समर्पित है। हनुमान ने भी सिंदूर लगाकर प्रभु के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को भी सिद्ध किया। सत्य है, पवन पुत्र हनुमान के लिए ना तो कोई और दूसरा देवता है और ना ही प्रभु का कोई दूसरा रूप है तो बस केवल और केवल श्री राम। फिर क्या हुआ नाथ? विवाह के पश्चात केसरी और अंजना के दिन कैसे बीते? केसरी और अंजना एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में पाकर तृप्त हो गए थे, किंतु बहुत काल बीत जाने के बाद भी जब उनके आंगन में शिशु की किलकारियां नहीं गूंजी तो भीतर ही भीतर केसरी को ये संताप खाने लगा। संतान सुख से हीन अंजना उसका दुख समझती थी, पर वो स्वयं भी दुखी थी। वो जानती थी ना तो संतान के बिना वंश वृद्धि हो सकती है और ना ही मनुष्य को पितृ ऋण से मुक्त किया जा सकता है। पितृ ऋण चुकाए बिना स्वर्ग का द्वार कभी नहीं खुलता। धीरे धीरे संतान का अभाव उन्हें हर पल खलने लगा था। गंजाम, अंजना को तो देवगुरु से पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिला, उसी कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। तो फिर उन्हें संतान न होने का क्या कारण था? अंजना को यदि किसी साधारण जीव को जन्म देना होता तो कोई कठिनाई ना होती, किंतु उसे तो महाकाल भगवान शंकर के अंश को अपने गर्भ में धारण करना था, जिसके लिए वो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं थी। पूर्व जन्म की अप्सरा अंजना स्वर्ग लोक से आई थी। स्वर्ग भोग विलास का लोक है, तप का नहीं, और अंजना को हनुमान को जन्म देने के योग्य बनने के लिए तपस्या की आवश्यकता थी। तपस्या? किंतु कैसे? किंतु कैसे? तपस्या? किंतु कैसे? किंतु कैसे? यही बात तो केसरी और अंजना भी जानना चाहते थे कि वो संतान पाने के लिए क्या करें, कैसे करें। संतान की अभिलाषा से अनेक लौकिक उपाय किए किंतु कोई लाभ ना हुआ।
तब उन्होंने अपनी समस्या के अलौकिक समाधान को जानने के लिए ऋषि मतंग की शरण ली। ये वही ऋषि मतंग थे जिन्होंने मेरे राम अवतार के समय परम भक्त शबरी का मार्गदर्शन किया था। संतान प्राप्ति अस्तु। तुम दोनों ऐसे चकित भाव से मुझे क्यों देख रहे हो? आपने तो बिना मांगे ही हमें मनचाहा वर दे दिया। अब एक समाधान और कर दे ऋषिवर। हम जानना चाहते हैं कि हमें यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। केसरी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु देवाधिदेव भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए अंजना को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। उसके उपरांत आकाशगंगा तीर्थ में स्नान करके तपस्या आरंभ करना। भगवान उमाकांत अवश्य कल्याण करेंगे।
शिवा ओम नमः शिवा। पशुपते नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः पशुपते नमः। इसी प्रकार कठोर तप करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अंजना की इस घोर तपस्या को देख देख कर करुणामयी जगत जननी भगवती पार्वती का हृदय निरंतर पसीजता रहा, किंतु कैलाशपति भगवान आशुतोष अपनी समाधि से बाहर आने का कोई संकेत तक नहीं दे रहे थे। अंततः सत्व मूर्ति शैल पुत्री का धैर्य छूटने लगा। हे शशि शेखर, आंखें खोलिए। अंजना के तप से समस्त लोक कंपित हो उठे हैं। हे दीनानाथ, आप तो आशुतोष हैं, अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अंजना के घोर तपस्या को तो 12 वर्ष बीत चुके हैं प्रभु, आप कब प्रसन्न होंगे? उस दीन के प्राण संकट में है दीन बंधु, दया कीजिए। आपके अंश का अवतार काल भी निकट आ पहुंचा है। आंखें खोलिए स्वामी और उसे उसकी तपस्या का फल दीजिए। आंखें खोलिए स्वामी और उसे उसकी तपस्या का फल दीजिए। अभी नहीं करुणा माई, अभी एक परीक्षा शेष है। अंजना, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, आंखें खोलो पुत्री।
आगामी श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव साक्षात तुम्हें दर्शन देंगे और आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके स्वागत का प्रबंध करो पुत्री, और ध्यान रहे पुत्री भगवान भोले शंकर के सत्कार में कोई त्रुटि ना होने पाए। जब ब्रह्मा जी की 100 दिव्य वर्षों की आयु पूर्ण हो जाती है तो मैं प्रलयकालीन संवर्तक सूर्य बनकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, पृथ्वी और प्राणियों के शरीर से सारा जल सोख लेता हूं। जब समस्त ब्रह्मांड दहकने लगता है तो मैं ही प्रलयकालीन मेघ के रूप में सहस्रों वर्षों तक मोटी मोटी धाराओं से इस समस्त ब्रह्मांड को जलमग्न कर देता हूं। तब पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, और आकाश अहंकार में लीन हो जाता है। अहंकार महतत्व में, और महतत्व मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। उस अवस्था में जब समस्त जीवों और देवताओं के साथ वेद और ब्रह्मा भी मुझ में समा चुके होते हैं तो इस सृष्टि का उस प्राकृत प्रलय में लोप हो जाता है। फिर नवीन सृष्टि का समय आने पर मैं समस्त सृष्टि के तत्वों व उनकी एकता के द्वारा एक विराट शरीर की रचना करता हूं। उसी विराट शरीर की नाभि से नवीन ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अगली प्राकृत सृष्टि के आरंभ में प्रिय हनुमान ब्रह्मा बनकर अपने इस जन्म में अर्जित ज्ञान, विज्ञान और मेरी प्रेरणा के आधार पर वेदों व पुराणों को धारण करेंगे। तत्पश्चात रजोगुण का आश्रय लेकर संकल्प शक्ति मात्र से सृष्टि कार्य में संलग्न होंगे और भू, भुआ और स्वह नामक त्रिलोकी की रचना करेंगे, और फिर प्रजापतियों के माध्यम से वृक्षों, पशु पक्षियों, मनुष्यों की सृष्टि के साथ देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा आदि की देव सृष्टि भी करेंगे। यन्नाभि पद्म भवनादह मासमीके तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग। अपने आराध्य श्री राम के गुणगान और उनकी सेवा के अतिरिक्त महाबली हनुमान के हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं। उनके लिए सारा संसार सिया राममय है। वो चुटकी बजाकर अपने प्रभु की उबासी दूर भगाएं या ब्रह्मा होकर सृष्टि करें, सब कुछ उनके लिए राम काज ही है। नैव मे दृशमनुस्पृशत्स्त भवाय योग निद्रावसान विकसन नलिनेक्षणाय सोयं समस्त जगतां सुरिदेकयात्मा सत्वेन यन्मृळयते भगवान् भगेन। हनुमान जी की इतनी महिमा सुनकर मेरे मन में उनके बाल लीला सुनने का चाव और बढ़ गया है। किंतु प्रभु, उसके पहले उनके जन्म की कथा तो पूरी कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कब और कैसे
अंजना को आशीर्वाद देके उसकी मनोकामना पूर्ण की। थोड़ा विस्तार में बताइए ना प्रभु। हाँ श्याम सुंदर, महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि वो एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? अंजना और केसरी को कहाँ ये ज्ञात था? वो तो भगवान नंदीश्वर के स्वागत का आयोजन कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का मंगलकारी दिन आ ही गया। प्रातः से संध्या हो गई, किंतु भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। भक्ति भिक्षाम देही, भवति भिक्षाम देही, भवति भिक्षाम देही। इस बूढ़े के साथ उपहास कर रही हो? तेरे आधे दांत टूट चुके हैं, आधे दांत सड़ चुके हैं। मुझे रसीले पकवान खिलाओ। रसीले पकवान? ऐसे अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम्हारी रसोई में 56 भोग पकाए गए हैं और मैं बड़ी दूर से तुम्हारी उस सुगंध के पीछे यहां तक चला आया हूं। मैं वो भोग लगाए बगैर तुम्हारे द्वार से नहीं जाने वाला हूं। क्षमा करें बाबा, आज हमारे घर में एक विशेष अतिथि आने वाले हैं और ये सारा आयोजन उनके स्वागत के लिए किया है। तुम कह रहे हो कि मैं अतिथि नहीं हूं, मैं बूढ़ा दरिद्र करूप हूं, इसलिए वो अतिथि नहीं होता जिसको न्योता देकर बुलाया जाए। अतिथि वही होता है जो बिना बुलाए किसी भी तिथि में चला जाए। नहीं नहीं बाबा, मेरी बात का अर्थ ये था कि ये सब हमारे इष्ट। इष्ट नहीं, अनिष्ट होगा तुम्हारा। मेरे समान पूरे दरिद्र भूखे को भोजन न करा के कोई भी इष्ट प्रसन्न नहीं होने वाला। बोलो, कराते हो 56 भोग?
तो मैं चला। मैं तो यहां बैठ जाऊंगा। किंतु बाबा, यह आसन तो हमारे इष्ट भगवान शंकर जी के लिए है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो यही बैठूंगा। खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? लाओ मेरे लिए भोजन परोसो। अच्छा, तुम लोग मुझे यहां बैठा देखकर कूड़ रहे हो। मुझे तुम लोगों का ये भाव तनिक भी बा नहीं रहा है। यदि ऐसे ही रो रो के मुझे भोजन कराओगे तो मैं सच कहता हूं, मैं एक दाना भी नहीं खाऊंगा। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। रुको। अब क्या हुआ बाबा? मुझे हाथ धोने की शिक्षा दे रही थी और स्वयं बिना हाथ धोए ही मेरा भोजन परोस रही हो। किंतु बाबा, मेरे हाथ तो शुद्ध हैं। और फिर आपने ही तो कहा। तेरा मेरा क्या मेल है? मैं तो भिखारी हूं, तू तो गृहस्थन है। तुझे तो शुद्ध अशुद्ध का विचार करना चाहिए। जाओ मेरे हाथ धो कर आओ। पंखा क्या देखने के लिए रखा है? बाजू में बल नहीं है? पंखा चलाओ। बाबा, भोजन प्रारंभ। पूरी कैसे पकाई है? आधी कच्ची आधी चली हुई। बड़ी आशा से तुम्हारे द्वार पे आया था कि बरसों पश्चात एक अच्छा भोजन करने को मिलेगा। तुम दोनों ने गुड़ गोबर कर दिया। फिर भी अच्छा ही हुआ मैंने तुम्हारा सत्कार स्वीकार कर लिया। भूखे का पेट भरकर कुछ तो पुण्य मिलेगा तुम्हें, नहीं तो उस अवगढ़ अहोरी
जटाजुटी शंकर की सेवा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। बस लपेट कर गले में नागमाला डालकर भयंकर रूप धारण करके शमशान में बैठने से कोई भगवान नहीं होता। अरे वो तो लोगों को डरा धमका कर भगवान बन बैठा है, इष्ट बनाना ही है। इससे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं कौन सा भगवान तुम्हारा भला कर सकते हैं। बस कीजिए बाबा। आप हमारे अतिथि हैं, किंतु हमारे परम आराध्य भगवान भोलेनाथ का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इसमें अपमान क्या है बालिकी? जो सत्य है वो सत्य है। क्या शंकर शमशान में नहीं रहता? क्या वो भस्म लगाकर नहीं घूमता? क्या वो जटाजुटी अघोरी नहीं है? हाँ रहते हैं वो शमशान में, हाँ लगाते हैं भस्म, किंतु जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं उस शमशान में रहकर वो जीवों को शरण देते हैं और भस्म लगाते हैं उन्हें जीवन की व्यर्थता का उपदेश देने के लिए। और जिन जटाओं का आप इतना अपमान कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि उन्हीं जटाओं में माँ गंगे भी निवास करती हैं। उन्हीं जटाओं की महिमा है कि माँ गंगा समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी रूप में रहती हैं। नहीं तो जिस प्रचंड वेग से वे स्वर्ग से उतरी थी, यदि भगवान जटाशंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में ना घेरा होता तो वे अपने वेग से सब कुछ बहाकर नष्ट कर देती। और अघोरी, अघोरी का अर्थ समझते हैं आप? घोर का अर्थ होता है क्रूर, और अघोर अर्थात जिसमें कोई क्रूरता ना हो, जो घोर पापियों के प्रति भी करुणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान भोले शंकर। तेरी तो मती मारी गई है, वो भूतनाथ नागदिराज, वो विशेला है, विशेला। तभी तो नागू का साथी है। आपको विशेले समझ आते हैं? तो हाँ, मेरे भगवान भुजंग भूषण विशेले हैं, क्योंकि अमृत मंथन के समय जो कालकूट विष निकला था, जिसे देखते ही सब देवता हाहाकार करते भाग खड़े हुए थे। उस भयंकर कालकूट विष को अपने कंठ में धारण करके मेरे भगवान नीलकंठ देवताओं को अमृत देने वाले हैं। अरे वो तो इतने शांत, अहिंसक और परोपकारी हैं कि नाग जैसे विषैले जीव भी उनके पास आकर ना डसने का स्वभाव भूल जाते हैं। तुम्हारे जैसे अंधभक्त। बस अब यदि आपने मेरे भगवान भोले शंकर के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो क्या करोगी अंजना? Thank you.
तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई पुत्री अंजना, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अति प्रसन्न। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है। शीघ्र ही वायुदेव के द्वारा तुम्हें मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। उसे अपने पति वीर केसरी के हाथों स्वीकार करना। तुम्हारा होने वाला पुत्र समस्त संसार में अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात होगा। परम भक्त होगा और परम ज्ञानी भी। कल्याण हो। भगवान गौरीनाथ ने अच्छी लीला की अंजना के साथ, किंतु उनके बारंबार उकसाने पर भी अंजना ने अपना धैर्य नहीं खोया। निश्चित ही ये उसकी तपस्या का ही प्रभाव था कि वो भगवान शूलपाणी की परीक्षा में खरी उतरी। वेदों में गृहस्थ के लिए पांच प्रकार के जिन नित्य यज्ञों का विधान है, उसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ के साथ अतिथि सत्कार रूपी मनुष्य यज्ञ भी प्रतिदिन करने का आदेश दिया गया है। जिस द्वार से अतिथि असंतुष्ट होकर जाता है, उस घर में समृद्धि नहीं रहती, और जहां सम्मान के साथ अतिथि की तृप्ति की जाती है, वहां सुख संपत्ति का वास सदा बना रहता है। और जो ये जानते हैं, वो अंजना के समान अतिथि सत्कार में कोई चूक नहीं करते। हर प्राणी के द्वार पर उसके भगवान अतिथि रूप में एक बार अवश्य जाते हैं, और उचित सम्मान होने पर उस घर की सात पीढ़ियां दरिद्रता का मुख नहीं देखती। तो फिर महादेव ने वायुदेव से कैसा प्रसाद भिजवाया? हे पवनदेव, हम आपका आह्वान करते हैं सृष्टि कल्याण के प्रायोजन के लिए। आप अपना सहयोग दें और हमारे सम्मुख प्रकट हों। जगत जननी माता पार्वती और जगत गुरु भगवान भूपति की जय हो। मैं कृतार्थ हुआ महादेव। अपने तेज को वहन करने के लिए आपने मेरा चुनाव किया है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आदेश करिए भगवान रुद्रेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप जानते हैं कि आगे आपको क्या करना है।
कल्याण। शंकर जी ने दे दिया तेज, पवन सुत अब आने वाले हैं। भक्ति में होकर प्रवीण वो मग्न राम गुण गाने वाले हैं। जगाधारी शिव शंकर शंभो महादेव, शिव शंकर शंभो। जगाधारी शिव शंकर शंभो महादेव, शिव शंकर शंभो। देवों का सब करेंगे काज, नष्ट करेंगे पाप का राज। विष्णु वचन की रखने लाज, ले रहे हैं अवतार आज। अन्यायी दल में भय का हाहाकार मचाने वाले हैं। हाहाकार मचाने वाले हैं। शंकर जी ने दे दिया तेज, पवन सुत अब आने वाले हैं। मेरा हृदय धड़क रहा है, लग रहा है कि कुछ अलौकिक घटने वाला है। तुम ठीक कह रही हो प्रिय, मेरा हृदय भी एक विचित्र आनंद से भर उठा है। और देखो ना, ये समस्त प्रकृति भी उल्लास में खिल सी गई है। लगता है आज सब कुछ हमारे अनुकूल हो रहा है। ये सब कृपा निधि भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद है। तीन जन की करेंगे रक्षा, अजर बनेगी सूर्य की कक्षा। भगत जगत के लेंगे शिक्षा, बल विद्या की देंगे भिक्षा। बलिदान प्रेम बैराग के नव आदर्श बनाने वाले हैं। बनाने वाले हैं। शंकर जी ने दे दिया ते। देवी अंजना, वनराज केसरी, मैं पवन देव हूँ। भूत भवन भगवान शंकर और माता भवानी का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। वे दोनों आपकी श्रद्धा और तपस्या से अति प्रसन्न हैं। और उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद भेजा है। ओम नमः शिवाय। हे वानरराज, देवी अंजना के लिए इस फल को आप ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।